हाय फ्रेंड्स, मैं रंजन कुशवाहा और आप देख रहे हैं रंजन टेक चैनल। आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ, बिहार आंगनवाड़ी के अंदर बहुत ही ज़्यादा वैकेंसी निकली हुई है। OBC सेविका और सहायिका की वैकेंसी निकली हुई है। अगर दोस्त आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो दोस्त आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए, क्योंकि दोस्त मैं इस वीडियो में पूरा डिटेल्स में बताने वाला हूँ कि आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कैसे कर पाएंगे और आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो दोस्त आप इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखते रहिए। चलिए दोस्त स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कोई एक ब्राउजर ओपन कर लेते हैं। तो दोस्त आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर ब्राउजर ओपन कर लिया और साथ में मैंने एक वेबसाइट भी ओपन कर रखा है, जिस वेबसाइट का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ से डायरेक्ट आप क्लिक करके इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं बिहार आंगनवाड़ी रिक्वायरमेंट 2019, अपने को थोड़ा नीचे आना होता है। नीचे आने के बाद इस वैकेंसी का अपने पूरा डिटेल्स मिल जाता है। जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस ICDS, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर जो नेम ऑफ पोस्ट है सेविका एंड सहायिका की पोस्ट है। और दोस्त आप इस फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। जॉब लोकेशन बिहार है। मिनिमम एज 18 ईयर्स, मैक्सिमम 40 ईयर्स, ठीक है दोस्तों। और आप यहाँ पर देख सकते हैं जो क्वालिफिकेशन आपका होना चाहिए। अगर आप सेविका के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो दोस्त आपका मिनिमम 10वीं पास होना चाहिए। और अगर आप सहायिका के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो 8वीं पास आएँ तो दोस्त आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकती हैं, ठीक है दोस्त। और आप यहाँ पर देख सकते हैं जो इंपॉर्टेंट डेट है, यहाँ पे 5/9/2019 से अप्लाई स्टार्ट हो चुका है ऑनलाइन अप्लाई करने का। जो लास्ट डेट है 19/9/2019 तक दोस्त आप इस फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई कर सकती हैं, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पर जो इसका मेरिट लिस्ट जब जो आएगा, यहाँ पर 25/9/2019 को मेरिट लिस्ट बनेगा। और जो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इसका 25/9/2019 टू 1/10/2019 तक इसका ऑब्जेक्शन डेट आ जाएगा, ठीक है दोस्त। चलिए दोस्त यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका नोटिफिकेशन का आपको लिंक मिल जाता है और आप यहां से चेक कर सकते हैं। आपको यहां पर डायरेक्ट लिंक मिल जाता है कि आप किस एरिया में वैकेंसी है, किस एरिया में वैकेंसी नहीं है, यहां से आप दोस्त चेक कर सकते हैं। यहां पर दोस्त आप देख सकते हैं यहां पर क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं। इसका ऑफिशियल वेबसाइट भी का भी लिंक आपको यहां पर मिल जाता है और यहां पर अप्लाई ऑनलाइन करने के लिए भी दोस्त आपको यहां पर डायरेक्ट लिंक मिल जाता है। तो सबसे पहले दोस्त चलिए यहाँ पर नोटिफिकेशन डाउनलोड करके दिखा देते हैं। यहाँ पर नोटिफिकेशन के सामने आपको दोस्त क्लिक यहाँ पर क्लिक कर देना है। दोस्तों नोटिफिकेशंस के सामने जैसे ही क्लिक हेयर पे आप क्लिक करते हैं तो आपके मोबाइल या कंप्यूटर में नोटिफिकेशंस व्यू हो जाता है। अगर आप मोबाइल में करते हैं तो आपके मोबाइल में नोटिफिकेशंस डाउनलोड हो जाता है। जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जो ये यहाँ पर डेट जो इस न्यूज़पेपर में आया है, यहाँ पर आवेदन करने का जो तिथि है आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्त 5/9/2019 से आवेदन स्टार्ट हो रहा है। जो लास्ट डेट है 19/9/2019 तक अप्लाई कर सकते हैं, 9 महीने तक, ठीक है दोस्त। और यहाँ पर इस नोटिफिकेशंस को आप देख सकते हैं और आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। चलिए दोस्त मैं यहाँ से बैक हो जाता हूँ। बैक होने के बाद दोस्त आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि आपके एरिया में आपके पंचायत में वैकेंसी निकली हुई है या नहीं निकली हुई है। आपको इस लिंक के सामने यहाँ पर आपको क्लिक यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ से डायरेक्ट ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाती है। जैसे दोस्त आप यहाँ पर देख सकते हैं आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर फेज 3 में किस किस एरिया में वैकेंसी निकली हुई है। आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे दोस्त आप यहाँ पर देख सकते हैं सेविका है और सहायिका है। आपको यहाँ पर चेक करना है सेविका की आपके एरिया में वैकेंसी है या सहायिका की, ठीक है दोस्त। चलिए यहाँ पर सेविका का हम चेक करते हैं। यहाँ पर सेविका पर ही क्लिक कराने देते हैं। उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट अपना सेलेक्ट करना है, आपको जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट हो, ठीक है दोस्त। यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर देना है। इसके बाद दोस्त आपको यहाँ पर ब्लॉक सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है, आपको ब्लॉक भी यहाँ पर सेलेक्ट करना है। उसके बाद दोस्त आपको यहाँ पर ऑल पंचायत आ रहे हैं, यहाँ पर इस पंचायत के अंदर यहाँ पर वैकेंसी निकली हुई है। यहाँ पर आपको व्यू पे क्लिक करना है और आप यहाँ पर दोस्त देख सकते हैं कि इस पंचायत के अंदर पोस्ट नेम सेविका के लिए वैकेंसी निकली हुई है, वार्ड नंबर 5। और यहाँ पर आप दोस्त आप इस तरह से यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि आपके पंचायत में वैकेंसी निकली हुई है या नहीं निकली हुई है। चलिए दोस्त मैं यहाँ से बैक हो जाता हूँ। बैक होने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ कि अप्लाई कहाँ से होगा। यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन के सामने आप दोस्त यहाँ पर क्लिक पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ से डायरेक्ट ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ से ओपन हो जाती है। जैसे दोस्त आप यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले दोस्त अगर आपका आईडी है इस वेबसाइट पे तो सही है, नहीं आईडी है तो आपको यहाँ पर नए पंजीकरण पे आपको क्लिक करना होता है, ठीक है दोस्तों। आप यहाँ पर जो निर्देश दिया गया है हाउ टू अप्लाई यहाँ पर दिया गया है, आप इसे पढ़ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर आपका फोटो कितना के बी का होना चाहिए, इसका फोटो का साइज़ क्या होना चाहिए, सारी चीज़ यहाँ पर दोस्त दिया गया है, आपको यहाँ पर पढ़ लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर नया पंजीकरण जो है इस पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है दोस्त। तो दोस्त आप देख सकते हैं यहाँ पे फॉर्म ओपन हो चुका है। जैसे दोस्त आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होता है कि मतलब आप किस पद के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, सेविका या सहायिका के लिए, ठीक है दोस्त। और आपको इस फॉर्म को अच्छे से फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद दोस्तों आप इस फॉर्म को यहाँ से सबमिट कर सकते हैं। तो दोस्त आप इस तरह से यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन करके आप इस फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्त मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर आपने अभी तक रंजन टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इस रंजन टेक चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं डब्ल्यू में, तब तक जय हिंद।